गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने कल के वीडियो में देखा था, मैं बांदा से आ गया हूँ कानपुर, और फिलहाल आज मैं आप लोगों को अपना सेटअप दिखाने जा रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से वीडियो को शूट करता हूँ और क्या क्या इक्विपमेंट यूज करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है एक महंगा सेटअप लेके अपने YouTube करियर को स्टार्ट करने की। जी हाँ दोस्तों, भाई मेरे पास भी ऐसे कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो आप लोग को लगता हो कि भाई इसकी वीडियो क्वालिटी कितनी तगड़ी आती है, तो कुछ अच्छे प्रकार के कैमरे यूज करता हो या फिर कोई अच्छी चीज़ यूज करता होगा, फेस में अच्छा ग्लो आता तो क्या यूज करता है, तो आप लोग के मन में भी ये सब चीज़ चल रही होगी ना। तो चलिए मैं आज आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या यूज करता हूँ फिलहाल। सबसे पहले आता है मोबाइल, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं मोबाइल कौन सा यूज करता हूँ। मैं मोबाइल जो यूज करता हूँ वो वीवो V23 यूज करता हूँ। जी हाँ, जिससे अभी आप लोग मेरा विजुअल देख रहा है वो वीवो V23 से मैंने शूट किया। अब आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैं अपने चेहरे पे ग्लो कैसे लाता हूँ, फोकस लाइट कौन सा यूज करता हूँ। क्योंकि भाई अगर आप लोग फोकस लाइट खरीदने जाओगे तो भाई फोकस लाइट बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो आप मैं दिखा देता हूँ कि भाई मैंने घर में ही फोकस लाइट को किस तरीके से बनाया है और बहुत कम बजट में, मतलब सस्ती फोकस लाइट आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग ये देख सकते हो, ये देखिए, ये है मेरी फोकस लाइट, सामने से देख सकते हो भैया, ये देखिए ये फोकस लाइट है मेरी, ये सामने जो देख रहा हूँ इसको मैं टच करता हूँ। ये पन्नी लगाई है मैंने, इसको बटर पेपर कहते हैं, और इसको मैं थोड़ा खड़ा करके दिखा देता हूँ। अब आप लोग देखिए, ये देखिए बैक साइड से मैंने यहाँ पे दो, एक ये लगा दिया पेचकस और एक ये नट बोल्ट लगा दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको टाइट कर दिया था, पीछे मैंने कर दिया छेद, और इसको बेकायदा दफ्ती से, जो दफ्ती नहीं होती, जो पिज़्ज़ा की दफ्ती होती है, ये जो दफ्ती दिखाई दे रही है ये पिज़्ज़ा की दफ्ती भाई, मैंने लार्ज पिज़्ज़ा मंगाए थे 2-3, तो उस पिज़्ज़ा की दफ्ती से मैंने ये बनाया। जी हाँ, ये पिज़्ज़ा के दफ्ती से बनाया है, और मतलब मैंने नहीं मंगाया था, पार्टी हुई थी दोस्त की, तो उसकी पार्टी में पिज़्ज़ा के डब्बे बचे थे, उन्हीं डब्बों से मैंने फ़िलहाल ये सारा मटेरियल तैयार किया। मैंने दिमाग लगाया और ये एक तार खरीद लिया, और तार में एक प्लग ले लिया, और इसके अंदर एक मैंने ले आया CFL बल्ब, एक CFL बल्ब लाया, वो इसके अंदर लगा दिया, उसके बाद इसको लगा दिया, उसके बाद एकदम तगड़ी फोकस लाइट बन गई। मैं तो चलिए मैं इसको जला के भी दिखाता हूँ कि जलने के बाद किस तरीके की इसकी लाइट की रोशनी आती है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी फोकस लाइट आ रही है, देखिए है पूरा जगमग जगमग जम जल, कितना अच्छा जल रहा, कितना तगड़ा जल रहा ना। अब इसके जलने के बाद मैं देखिए सामने बैठ गया, आप देखिए, आप लोग देख सकते हो मेरा चेहरा कैसे चमक रहा होगा, बिल्कुल ये भाई बिल्कुल फोकस लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही है, इस कारण आप लोग देख रहे हो कि मेरा चेहरा कितना वाइट एक कितना क्लियर देखने में लग रहा है ना। तो इसलिए मैं फोकस लाइट का यूज करता हूँ, क्योंकि फोकस लाइट का यूज करने के बाद भाई आप लोग देख सकते हो वीडियो क्वालिटी में कितना अंतर पड़ जाता है, वही एक सिंपल कैमरे से अगर फोकस लाइट में हम यूज करते तो कितना ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। तो फिलहाल मैं एक और चीज़ यूज करता हूँ, वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बैक साइड में लाइट मैंने बंद कर दी थी, ये मैं कमरे की ये लाइट है मेरी, इसको लाइट को जला देता हूँ। ये जो सब देख रहा हूँ आप लोग, ये भाई ये वॉलपेपर लगा हुआ, तो ये कमरे की लाइट को मैं जला देता हूँ। और ये देखिए बैक साइड में, ये सब जो बैक साइड में आप लोग देख रहे हैं, ये कमरे की मतलब रोशनी के लिए सनलाइट का तो मैं खास तौर पर सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ सनलाइट का। तो मैं इस दरवाजे को ऐसे खोल देता हूँ, जैसे ये दरवाज़ा खुल जाता है तो उसकी सारी रोशनी आती है, और मेरे ये जो सामने आप लोग देख रहे हो, ये सामने कुर्सी एक रखी हुई है, तो इस कुर्सी पे मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, और ये मेरा फोकस लाइट है, इसको भी चालू कर लेता हूँ, और सामने इसको चालू कर लेता हूँ जब मैं रात को शूट करता हूँ, रात को नहीं शूट कर पा, दिन को शूट करता हूँ तो इसको बंद कर देता हूँ, और सनलाइट से अच्छी खासी रोशनी आ जाती है, और फिलहाल यहाँ पे साके मेरे चेहरे पे पड़ती है, और ये देख सकते हैं ये दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अब आप लोग दोस्तों देख सकते हो, फिलहाल अब मैं आ गया हूँ कमरे के बाहर, और ये भाई देख सकते हैं पूरा खुला खुला माहौल, देखिए पूरा खुला हुआ है, देखिए है, तो यहाँ से सनलाइट आती है और सनलाइट सीधे अंदर की ओर जाती है, ये देखिए सीधे वहाँ जाती है, आप लोग क्लियर दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, पूरा सीधे वहाँ पर जाती है, और यहाँ पर बैठ के मैं बनाता हूँ। फिलहाल मैं आप लोग के सामने आके बैठ गया हूँ, तो दिन के रोशनी में अब मैंने फिलहाल इस फोकस लाइट को बंद कर दिया, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, क्योंकि सामने से सूरज मेरे चेहरे पे आ रही, मतलब सनलाइट पूरी फोकस यहीं पे पड़ रहा है,
और एक बल्ब चालू कर देता हूँ, सनलाइट का यूज करता हूँ, पीछे मैंने लगा रखा वॉलपेपर, जिससे क्या होता कि देखने में काफ़ी अच्छा विजुअल लगता है, ठीक है। और दिन के वक्त तो अगर मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरे घर के पास से कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ निकल, अभी आप लोग को गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई देगी, देखिए। सुनाई दी गाड़ियों के बाद, तो इस तरीके के डिस्टर्ब बहुत होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेशन होती है दिन में, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि रात ही को शूट कर लूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ दिन को भी शूट कर लूँ, क्योंकि दिन में ज़्यादा सनलाइट बहुत अच्छी आती है, जब देखता हूँ थोड़ा शांत माहौल होता है तो दिन में शूट कर लेता हूँ, और अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात को शूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना शूट करता रहता हूँ, बीच में अगर कहीं इधर उधर चला जाता तो वो भी वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपना थोड़ा सेटअप दिखा दूं, और ये भी दिखा दूं कि किस तरीके से मैं अपना वीडियो शूट करता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो लोग ये कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई मेरे को ये खरीदना पड़ेगा, फोकस लाइट खरीदनी पड़ेगी, महंगा मोबाइल लेना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों महंगे मोबाइल की, आप लोग 10,000 के मोबाइल से भी अपना काम चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।